संजय भैया को सम्मान करें। टैग भी खोल दो, टैग भी नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर करो, टैग भी नहीं आ रहा है, मॉनिटर में डालो, टॉप में डालो, टैग आप लोग सब बैठ जाए पीछे से Hot!
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समः प्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्जम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। प्रथमे गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश, तृतीय शिविरोमा शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। नमो नमो माता पिता के जिन से भया शरीर, नमो नमो गुरुदेव की जिन दिया भजन में सीर। लाग देह लाली से अरिधर लाले लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो शिव बैलन सवार। चंद्र तपे सूरज तपे उदगण तपे आकाश, इन सब से बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो स्तुते। तो जय 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 श्री श्याम की, विनय करो कर जोड़ और भूल क्षमा कर दीजिए एक भगत की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। Thank you.
लेकिन प्रीमियम ऑडिटोरियम का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि चेयर पर बैठकर वो भाव आपके कैसे आएंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना निश्चित है, अगर आप बाबा का नाम लोगे तो बाबा जरूर आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आराम से बैठिए, लेकिन साथ साथ आप ये भी मानकर चलिए कि आप साक्षात कलियुग के अवतार भगवान कृष्ण ने जिनको वरदान दिया था कि कलियुग में जो हार कर आएगा वो हार कर वापस नहीं जाएगा, वह साक्षात विराजमान है। और जो इनकी कृपा चाहते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जैसा भी गा सकियां मिलकर गाइए भजन कीर्तन। भजन कीर्तन वो चीज नहीं है कि सिर्फ एक कलाकार को आपने बुला लिया और वो आपके कीर्तन को सफल कर देगा। हिंदुस्तान के किसी भी कलाकार को बुला लीजिए चले जाते, अगर आप नहीं गाओगे सफल नहीं हो पाएंगे। आइए और सीधा सीधा भजन वैसे आप लोग देखिए, सामने वही खड़े रहे, वही बैठे हैं जो बाबा के लिए बैठे हैं। जिनको बात करना है वो ग्रीन रूम है, पीछे सोफा लगे हैं, वहां पर आराम से बात कीजिए, फोटो खिंचवाइए। दरबार की कम से कम गरिमा रखिए, दरबार में यहाँ पर जो भी बैठे हैं कृपया बाबा को मानिए, हर बात मानेगा बाबा। Yeah.
Mein Schatten, der dir
Oh.
Jeet jaayenge hum,
विश्वास थोड़ा सा मजबूत होगा। वो माँ
उस 8 महीने या 9 महीने के बच्चे को गोद में लेकर खाट लाया और उन्होंने दिखाया कि 1 महीने के बच्चे का डॉक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी किया था और वो लाइलाज हो गया था, लेकिन शाम की कृपा से मेरी बच्ची आज खाटू धाम में पहुंच गई। और सब कुछ समझ ये करा सकता है। दरबार में हो मेरे साथ आओ प्रेमी, मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं महाराज से अर्ज करूंगा बाबा कि जो भजन गाए, अगर तुझे मुझ पर कृपा करनी हो ना तो जो भजन गाए पहले उस पर कृपा करना, और उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो मुझ पर कृपा करना। मुझे मत पहले देना, पहले उनको देना जो तेरा भजन गा रहा है। क्योंकि देखा है प्रेमी, भजन में वो ताकत है जो पत्थर में पानी निकाल देता है। भजनों से न जाने कितने लाखों लोगों को बाबा ने अपने दरबार का दीवाना बनाया। इस बार का इतिहास था 2019 के अंदर में इतिहास है प्रेमियों कि अगर इंग्लिश से ऐसा मौका आ जाता है कि इंग्लिश से बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। पहले तो वाहनों के लिए बैरिकेड होता था, कृपा इतनी बढ़ गई, लोग इतने पहुंचने लग गए कि अब कई कई बार एक एक दो दो घंटा के लिए भक्तों को भी रोक दिया जाता है कि खाटू में जगह नहीं है, फुल हो गया है खाटू, इसलिए एक घंटा रुक कर जाना। ऐसे लोग नहीं जाते, काम बनते ही चले जाते हैं ना। किसको किसको काम बनवाना है, एक बार पूरी ताकत लगाकर आइए। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे मिलकर मेरे साथ रहेंगे, है ना। आइए इस भजन के माध्यम से
Yeah.
पूछेगा नहीं। जब पहली बार बाबा ने खाटू बुलाया 30 साल से कलकत्ते से खाटू जाने के लिए 500 रुपया किराया नहीं था क्योंकि बाबा को नहीं जाना था। आंखों में आंसू आ गए। बाबा लोग कहते थे तू हारे का सहारा पहली बार में काम बनाता है, मैं तो पहुंचा ही नहीं उसके पहले काम करके कैसे जा सकता है। 500 की दरकार थी, पूरी 500 की एक गड्ढी 5 मिनट रहती बाबा ने चोरी नहीं की, किसी का हाथ नहीं फैलाया, कोई बुरा काम नहीं किया। साक्षात बाबा मैंने दर्शन नहीं किए लेकिन महसूस हुआ कि इस जो बंदा ये 500 की गड्ढी पकड़ा रहा है साक्षात बाबा है इस क्लास और संजय भैया देखो कुछ लोगों को नहीं पता है, बताना चाहता हूँ कि संजय भैया कलकत्ता से पैदल बाबा का निशान लेकर खाटू गए इस दिसंबर में। एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। हमारी क्या होगा, एक कदम बोलो ना, कोई चल सकता है बोलो, कोई चल सकता है चल सकता है। साक्षात देखा कलकत्ते से जब मन चला पहला पड़ाव 8 किलोमीटर घुसने धाम पर था, रथ के आगे से मैं तान कर चल रहे, दूसरा पड़ाव शायद 15-17 किलोमीटर चंदन नगर का था। चंदन नगर पहुंचे कांटा फीस होने लगी, किसी ने कहा कि शहर में प्रवेश कर रहे हैं रथ के पीछे नाचते गाते बजाते चलेंगे, रथ के पीछे आया एनर्जी मिली। और जब दूसरे दिन सवेरे रथ के आगे चलने लगा तो अंतर आत्मा ने कहा तू बाबा से आगे चलेगा पहुंच जाएगा, नहीं काम पकड़े नहीं बाबा मेरी क्या होगा गलती की बाबा जो आपसे आगे चला अब नहीं चलूंगा बाबा। अरे मेरे से बड़ा सौभाग्य बल्कि ये खुद खाटू से आता है, हाथ पकड़ कर हमारा खाटू हो जाता है। बोले हारे के सहारे की मुझे आज भी वो दिन याद है, पहली बार जब खाटू बुलाया था ठंड ठंड मेले पर जयपुर से बस के हुक्म पर बैठकर खाटू पहुंचा था। आज फ्लाइट छोड़कर कुछ और नजर नहीं आता, जो मान से भी ना मिली, जो मान से भी ना मिली, यह हक से पाई जाती है। बैठा के सामने बाबा को हर बात बताई, इधर गया 89 में जब पहली बार बुलाया था आज तो ध्वजा बाहर ले ली जाती है, उस वक्त बाबा का निशान डायरेक्ट शिखर पर चढ़ता जाता था। शिखर पर निशान चढ़ाकर जब नीचे उतरे अखंड ज्योति का जो चबूतरा था उस चबूतरे पर कीर्तन हो रहा था, किसी श्याम भक्त में बाबा बोल रहा था दूर से मुझे बुलाया, मैं किसी को नहीं जानता था, मेरे कान में बोला बोल क्या मांगते हैं बाबा, आपको भी बताने की दरकार पड़ेगी, आपको नहीं मांगू बोला मेरा श्रृंगार करा देगा बाबा, आपको नहीं पता 500 नहीं थे आपने तो गड्डी भेजी, मैं कैसे बोल दूं बिस्मिल्लाह करा दूंगा।
आज तो मेरी औकात अपने कपड़े पहनने के लिए, कहा इतने चढ़ा देगा, कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तारे पगले अगले साल भागण में एक माला और एक तिलक शीशी को ला सकता है। मैंने कहा पहली बात तो बाबा अगले साल आप बुलाओगे यही मेरे लिए बड़ी बात है, और मेरी औकात फिर भी नहीं, आप ही बुलाओगे और आप ही इत्र चढ़ाओगे और आप ही माला चढ़ाओगे। एक माला एक इत्र की बोतल चढ़ाई बाबा ने, जिस माला को कभी खरीदने की औकात नहीं थी पहले, आज बाबा ने माला उस पास दिया हम लोगों को जो कभी इत्र की शीशी एक खरीदने की औकात नहीं थी। हमारे में आज भी कोई क्वालिटी नहीं है, इसकी कृपा है, जिसकी कृपा हो जाती है ना सड़क से उठाकर उसको फलक पर बैठा देता है। जो मांगने से भी ना मिलती यह हक से वो पाई जाती है। अब क्या करते हैं, कहते बाबा ये दे दे, बाबा वो दे दे, अब कहते बाबा ये चाहिए, देना पड़ेगा बाबा। बेटा आपने बनाया तो बेटा बाप पर हक नहीं जताएगा तो क्या पड़ोसी पर जाकर हक जताएगा। जो मांग से भी ना मिलती यह हक से पाई जाती है। बैठा के सामने बाबा को हर बात बताई जाती है। मैंने सच कहा प्रेमी, खाको जाओ ना ग्यारह को, रात को कमरे में सोया मत करो, होटलों में सोया मत करो, कितना भी थक जाओ कीर्तन में जाकर बैठ जाएगा। अगर कीर्तन में बैठे बैठे नींद आ जाए ना तो भी कोई परवाह नहीं है, बाबा को ये दिखेगा कि मुश्किल परिस्थिति में भी मेरे लिए बैठा है, तो जब इसको मुश्किल आएगी तो मैं भी नहीं बैठूंगा, अभी चल पड़ूंगा इसके लिए। सच्ची बात बता रहा हूं, दिल्ली में एक कीर्तन हो रहा था, एक बंदा परेशान था, सब कुछ लुट गया था उसका, कोई बगल वाला बात करे ना उसको कह देना अभी मेरा बाबा से अपॉइंटमेंट है, बीच में डिस्टर्ब मत करो, सब कुछ लुट गया था उसका। बीवी बच्चों ने धिक्कारना शुरू कर दिया, और जब अपने खंजर मारते हैं तब कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है,
उसने सोचा जिंदगी जीकर क्या करूंगा, खत्म कर देता हूं, निकल पड़ा जीवन खत्म करने के लिए। रात को कीर्तन हो रहा था, अंधियारी रात में उसे आवाज आई, हारे के सहारे की। सच्ची बात बता रहा हूं, कहानी नहीं है। उसने सोचा सब जगह से हार गया, ये हारे का सारा जन्म पैदा हो गया। आवाज की दिशा में चल पड़ा, एक बहुत बड़ा पंडाल बना था, हजारों लोग नाच रहे थे, गा रहे थे हारे के सहारे की जय। वो बिल्कुल पीछे बैठ गया, सारी रात कीर्तन में बैठा। उसने पूछा भैया कौन सा भगवान है? लोगों ने कहा श्याम बाबा है, जिसका कहीं काम नहीं बनता, यहां आकर कह देता बाबा मैं हारा और तू हारे का, उसका काम बन जाता है। वो बोला भाई तुम्हारे इस बाबा के हाथ और पांव को नजर नहीं आ रहे। बोले यही तो खास बात है, हाथ पांव नहीं है लेकिन कलयुग में इनके बिना गति भी नहीं है। उसके पास चल गई, इतना कॉन्फिडेंस है बोल रहा। और रात को 2 बजे पागलों की भांति लोग नाच रहे हैं, तो कुछ तो होगा। सुबह सुबह आरती के बाद सीधा खाटू निकल गए, खाटू पहुंचा, वहां बाबा के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, कुछ कुछ होने लगा। और बाबा के दरबार में जैसे ही पहुंचा, बाबा के सामने खड़ा हुआ, होश आंखों से बरसात होने लगी। कई देर तक खड़ा रहा, अचानक उसे लगा कि उसके अंतर आत्मा कह रही है भूले कुछ अपना हाल भी कहेगा बाबा से। तो उसने बाबा से क्या कहा, शाम को मानते हो इस भजन को काम पूरी ताकत लगा कर करते। अगर आपको शाम ने जिताया है तो शुक्रिया करने के लिए भजन गाना मेरे साथ है, एक कृपा हमेशा बनी रहे। Thank you.
कलकत्ते की
कि शाम हक खाटू से निशान से हर तरफ साला से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गए। ठाकुर के मेले पर पति कलकत्ता था, पत्नी कलकत्ता जाती तो पति आती, उम्र सिर्फ 37-38 साल, कोमा में चली गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया मल्टीपल फ्रैक्चर ब्रेन में, हाथ में, कमर में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया लड़की कोमा में थी, पति हर महीने 1100 खाटू आता था, दौड़कर जयपुर पहुंचा, बोला बाबा खाटू नहीं आऊंगा। हम लोगों ने कहा पगले, खाटू नहीं जाएगा तो बचा ले, तू अपना फर्ज निभा। हर महीने खाटू जाता था 1100, तू अपना फर्ज निभा। वो अपना निभा लेगा। उसको बोला गया कि तू सिर्फ 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना और 10 मिनट दर्शन के। मंदिर कमेटी ने भी बोला कि 10 मिनट के अंदर दर्शन कराकर छोड़ देंगे। उसके अंदर का शाम चल गया, दिन में 1 बजे पहुंचा। हम लोगों ने कहा चल दर्शन कर ले और चला जा। कहा नहीं, हर महीने सारी रात बाबा के दरबार में जगराना जागराता में रहता हूं, आज भी सारी रात 11 के बाबा पीछे पहुंचना। सारी रात बाबा के कीर्तन में बैठा रहा, सुबह मंगला आरती में मंदिर से दर्शन करके निकला। पुजारी जी ने मोड़ छड़ी जी कहा सात बार मोड़ छड़ी ऊपर से नीचे फिरा देना। लेकर गया मोड़ छड़ी, प्रत्यक्ष बता रहा, लेकर मोड़ छड़ी गया। कोमा में थी लड़की, एक बार मोड़ छड़ी फिराई, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो ही सातवीं बार मोड़ छड़ी फिराई, लड़की के हाथ कांपने लगे, पकड़ लिया। जिस दिन पहली बार मैं साथियों के सहारे कीर्तन में गई, यहाँ की हड्डी फ्रैक्चर थी, बाबा की चोट ली, हड्डी के सबसे बड़े डॉक्टर कलकत्ता के पास गई, एक्सरे दिखाई। डॉक्टर ने पूछा पेशेंट कौन है, लड़के ने कहा सर मैं व्हील चेयर का हूं। सर मैं तो व्हील चेयर पर नहीं है, मैं तो लिफ्ट में और आपके ऑफिस में आपके चेंबर में चल कर आई हूं। कहानी नहीं बता रहा प्रेमी, मिलवा दूंगा, आ जाना कलकत्ते, पेशेंट से मिला दूंगा, उसकी रिपोर्ट दिखा दूंगा, किसी भी हड्डी डॉक्टर को दिखा देना। डॉक्टर ने फेंक दी रिपोर्ट, इम्पॉसिबल, ये पेशेंट कभी भी व्हील चेयर से उठ नहीं सकता, इसकी यहां के हड्डी के बीच में 2 इंच का गैप है, और ये पेशेंट कैसे खड़ा हो सकता है। लड़की ने कहा साहब मैं तो 8 महीना पहले मर गई थी, मेरे श्याम बाबा ने मुझे खड़ा किया है, और आप व्हील चेयर की बात करते हो, आप बात करते हो व्हील चेयर पे कैसे आई है। अरे मैं इस बार लड़के लिंगस से पैदल 2 इंच का गैप है, डॉक्टर बोलता है कि व्हील चेयर से उठ नहीं सकती। बाबा के दरबार में निशान 16 किलोमीटर चलकर चढ़ाया, और हर फागुन मेले में जाती है, हर फागुन मेले के अंदर उसके बाद से बाबा के दरबार में 16 किलोमीटर पैदल चलकर जाती है। विश्वास है ना, दुनिया का हर डॉक्टर को झूठा कर देता है, इससे बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं। बस विश्वास का धागा अटूट होना चाहिए, विश्वास मजबूत होना चाहिए। कितना ही दुखों का पहाड़ सिर पर हो, कितना ही बड़ा तूफान हो, अरे तुम चाहकर भी उस तूफान को नहीं मिटा सकते, तो चिंता करने का तुम्हारा तूफान मिट जाएगा। लेकिन अगर अपनी चिंता इस पर छोड़ दोगे ना, आप इसके नाम में अलमस्त हो जाओगे ना, तो कसम खाने वाले श्याम जी
वो तूफान आपको मिटा दे, ऐसा हो नहीं सकता। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन शाम के दरबार में ठंड नहीं लगेगी। हारे के
Sons of men!
ये मैंने कहा मैं थोड़ा सा बढ़ा दो भैया, अगर ऐसा माइक अगर हर जगह मिलने लगा तो कीर्तन करना मुश्किल हो जाएगा। आइए प्रेमी क्या कहता है, सबका मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे, पाते के जाते ही मन में छाप चढ़ गया, पाते के जाते ही मन में छाप चढ़ गया, सामने से प्रेम छोटा भाव बढ़ गया, सामने से प्रेम छोटा भाव बढ़ गया, दर्शक सोच गए हवा में छुप छुप कर गया बड़ा बड़ा बड़ छुप छुप गया। I'm
हरे प्रेमियों, बस धमाल के साथ, छोटी सी धमाल के साथ समापन करेंगे। सबको मिलकर मनीष।